हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ दो पॉपुलर ब्रांड का, दो बॉडी वॉश का कंपैरिजन वीडियो लेके। ये वीडियो करने के लिए मेरे चैनल में बहुत सारा रिक्वेस्ट आ गए थे, तो इसलिए आप लोगों की ख्वाहिश आज पूरी होने वाली है। चलिए देख लेते हैं आज का दो प्रोडक्ट। आज मेरे एक हाथों में है केयर शीट एरोमाथेरेपी का एक्वा बॉडी वॉश और दूसरे हाथों में है दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश। देख लीजिए, दो प्रोडक्ट ही है 200 ml क्वांटिटी का, लेकिन दो है दोनों ब्रांड का। तो फर्स्ट जो मेरे हाथों में है ये है एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट और ये है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको एरोमाथेरेपी यूज करना है या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। इसके बाद प्राइस, तो केयर शीट एरोमाथेरेपी एक्वा बॉडी वॉश का प्राइस है 210 rupees और दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश का प्राइस है 105 rupees। तो प्राइस के हिसाब से एकदम हाफ है, चीपेस्ट है दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट। तो आप इस टाइम में भी चूज कर सकते हो कि कौन सा वाला यूज करना है। उसके बाद आ जाती हूँ, दोनों ही है जेल बेस बॉडी वॉश। देख लीजिए, एकदम रनी कंसिस्टेंसी का जेल बेस बॉडी वॉश है। और दोनों बॉडी वॉश में दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन केयर शीट एरोमाथेरेपी एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश ये ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है। ऊपर में लिखा है फॉर ड्राई स्किन, लेकिन ये भी आप लोग ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए यूज करके देख सकते हो। एरोमा का बात करूं, एरोमा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन केयर शीट एरोमाथेरेपी एक्वा बॉडी वॉश का जो एरोमा है वो एटलीस्ट 3 से 4 घंटा के लिए स्किन में स्टे करते हैं, लेकिन दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश स्किन में बस 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा के लिए स्टे करते हैं। उसके बाद आ जाती हूँ कि यूज करने का टाइम कूलिंग सेंसेशन कौन सा वाला प्रोडक्ट देते हैं। तो दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश यूज करने का टाइम कूलिंग सेंसेशन देते हैं, लेकिन केयर शीट एरोमाथेरेपी एक्वा बॉडी वॉश यूज करने का टाइम ऐसा कुछ नहीं होते है। दोनों प्रोडक्ट ही ओडर के लिए काम करते हैं, फ्रेशनेस के लिए काम करते हैं, ऑयल को कम करने के लिए हेल्प करते हैं, स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करते हैं, काम ऑलमोस्ट सेम करते हैं। लेकिन अभी आ जाती हूँ कि रिजल्ट देखिए, अगर आपकी स्किन में छोटा मोटा रैशेस है, एक्ने है, स्किन में ब्लेमिशेस है, स्किन में पिगमेंटेशन है, बॉडी स्किन का बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा ओडर का प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूंगी केयर शीट एरोमाथेरेपी एक्वा बॉडी वॉश। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ा कम है तो आप जरूर अप्लाई करके देख सकते हो दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश। आपके एज 14 आप है और आप बॉय हो या फिर गर्ल हो, दोनों प्रोडक्ट ही आप यूज करके देख सकते हो। उसके बाद जो बात बताना है, दोनों प्रोडक्ट ही ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में है, प्लास्टिक का कंटेनर है, एकदम ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। आप देख सकते हो कितना यूज किए हो, तो ट्रैवल करने का टाइम लीकेज होने का चांसेस एकदम भी नहीं है। उसके बाद जो बात बताना बहुत ही जरूरी है, दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश ये यूज करने के बाद स्किन हल्का सा ड्राई लगते हैं, ये बात एकदम सच है। लेकिन केयर शीट एरोमाथेरेपी एक्वा बॉडी वॉश यूज करने के बाद स्किन ड्राई लगने का चांसेस एकदम भी नहीं है, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए ही बनाया गया है। और ये है स्पा बॉडी वॉश, ये यूज करने का टाइम जो एरोमा पूरा बाथरूम में फैल जाते हैं, आपकी माइंड भी पूरा का पूरा स्किन के साथ साथ फ्रेश हो जाएगी। लेकिन दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश ये अप्लाई करने से रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा एरोमा के दिख से आना पॉसिबल नहीं है। चलिए अभी बताती हूँ कि दोनों के ऊपर क्या क्लेम किया है। केयर शीट एरोमाथेरेपी एक्वा बॉडी वॉश के ऊपर लिखा है अ जेंटल रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश टू कीप द डर्ट एंड जर्म अवे विदाउट ड्राइंग आउट योर स्किन, डिलीवर्स द बेनिफिट ऑफ अ बॉडी स्पा लीविंग योर स्किन सॉफ्ट स्मूथ हाइड्रेटेड एंड नेचुरली रिफ्रेश्ड। जो मैंने बता दिया कि ये बॉडी वॉश यूज करने के बाद स्किन ड्राई लगने का चांसेस नहीं है, लेकिन दी शोमे स्कैन प्रोडक्ट का एक्वा फ्रेश बॉडी वॉश यूज करने के बाद स्किन ड्राई लगने का चांसेस है। और इसके ऊपर लिखा है द बॉडी वॉश एनरिच्ड विद एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड्स डे लॉन्ग कंप्लीट कूलिंग सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग इफेक्ट्स ऑन स्किन कीप रैशेस एलर्जीज एंड बॉडी ओडर अवे। देखिए इसके ऊपर लिखा है स्पा बॉडी वॉश, तो स्किन में स्पा कराने से स्किन में जो ग्लो आते हैं, स्किन जितना ब्राइट लगते हैं, साथ ही साथ स्किन जितना रिफ्रेश लगते हैं, वो
तुरंत आपको मिलेगी ये बॉडी वॉश अप्लाई करने से। लेकिन ये बॉडी वॉश कूलिंग सेंसेशन देते हैं, ओडर में काम करते हैं, ये बॉडी वॉश में ओडर में काम करते हैं, तो वो जो ब्राइटनेस, वो जो रिफ्रेशिंग स्पा करने से आती है वो इससे मिलता नहीं है। लेकिन सब कुछ के ऊपर भाई प्राइस है, प्राइस देखिए एकदम हाफ प्राइस में मिल रहे हैं और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा इधर उधर है। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयली है, तो जस्ट गो फॉर इट। और अगर आपको लग रहे है कि स्किन ऑयली है फिर भी स्किन को नरिश्ड मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए केयरशीट एरोमाथेरेपी एक्वा बॉडी वॉश। देखिए मैंने दोनों प्रोडक्ट ही यूज किया और मेरी खुद की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, कोई ब्रांड से मेरी कोई लेना देना नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट में ही मैंने बता दिया कि मेरे को तो लग रहा है कि ये ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहे हैं कि नहीं मेरे को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करना है तो यूज करके देखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट यूज करना है तो यूज कर लीजिए। आपको जो प्रोडक्ट पसंद है वो प्रोडक्ट ही आप अप्लाई कीजिए। मेरी ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कमेंट मत करना कि नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है, मेरे को जो जो कंपैरिजन दिखाई दिया वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आगे जाके ऐसे कंपैरिजन वीडियो अगर और भी देखना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ और जरूर आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।